गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और आज फिर हम सरस्वती मंत्र के साथ हमारी क्लास शुरू करते हैं। और मुझे ये लगता है कि अब तक आपको मंत्र याद हो गया होगा, तो इसका मौन वचन हम करेंगे। जी हाँ, तो मुझे लगता है कल का जो टॉपिक है, कल हमने वर्ब के बारे में कल वैसे तो हमने वर्ब के बारे में कई दिनों से क्लासेस शुरू कर रखी थी, थोड़ा सा कुछ पार्ट लेफ्ट रहता था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी हम थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। हमने क्या था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम कर रहे थे। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है कि ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेबल हो, उसमें पांचों फॉर्म आ जाएंगी वर्ब की। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे? यदि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद हमने बात की थी नॉन फाइनाइट वर्ब की, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉन चेंजेबल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंजेबल नहीं होती है, उनका फिक्स रूल और फिक्स स्ट्रक्चर होता है। यदि वह स्ट्रक्चर बैठता है तो उनका प्रयोग एज इट इज ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फिनिटिव में टू प्लस कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए। नहीं, टू इसमें बिल्कुल निश्चित है ये बात, बिल्कुल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको दिखेगी यदि वह वाक्य इन्फिनिटिव वर्ब की कंडीशन को कंप्लीट करता है। अब इन्फिनिटिव वर्ब की कंडीशन क्या थी कि कल डेफिनेशन हम नहीं लिखा था, हमने पहले इसको रिवर्स पढ़ना शुरू किया था, पहले एग्जांपल, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए। अभी हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जी हाँ, तो डेफिनेशन में आप देखिए कि ऐसा वाक्य या ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया अपने रूप में, यानी क्रिया की ही तरह रूप में कार्य न करके, मैं आपको ना बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको किताबों में मत ढूंढने जाइएगा, किताबों में नहीं मिलेगा। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया अपने रूप में कार्य न करके किस रूप में कार्य करती है, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया अपने रूप में कार्य न करके ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जो कि नाउन या प्रोनाउन में से नाउन होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें वो डेफिनेशन जो हमने एग्जांपल में की थी सेट होती है या नहीं। जैसे आई लाइक मैंगो
और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और ये आई लाइक मैंगो, ये क्या है, मैंगो क्या है, नाउन है। अब नाउन होने के साथ साथ ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, और ये हो गया प्रोनाउन और साथ में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई लाइक प्ले। अब आपको ऐसा कोई वाक्य देख जाए जिसमें आपको लाइक पसंद करना भी क्या है, एक क्रिया है, प्ले भी क्या है, क्रिया है, यानी आपको, और इसको लिखते हैं आई लाइक हिम, ये है ही। तो यहाँ पे आपको क्या है, वर्ब नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको वर्ब नहीं दिख रही ना, इसका मतलब इन्फिनेटिव वाला रूल वहां नहीं लगेगा, वहां से आपको एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे दो वर्ब आपको दिख रही है, लाइक और प्ले। अब आप इसमें स्ट्रक्चर बना के देखिए, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पे जो ये प्ले है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि क्रिया ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, कंडीशन पूरी हो गई, जो कि नाउन या प्रोनाउन में से नाउन होना चाहिए। अब चेक करेंगे हम, ठीक है, तो यह है प्रोनाउन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट शुड बी नाउन और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू सिंग, ठीक है। मुझे ये लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। देखिए, मेरी 100% कोशिश यही है कि आपको वैसे ही चीज समझाई जाए, वैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए जैसे क्लासेस में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया अपने रूप में कार्य न करके, ये क्रिया है ना, दिख रही है आपको, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया ना, क्रिया अपने ऑब्जेक्ट के रूप में न कर, अपने रूप में कार्य न करके, एज ए वर्ब, एज ए वर्ब न काम करके, एज ए ऑब्जेक्ट काम करे, और उसमें भी वो क्या हो, नाउन हो, तो वहां पे हमारी जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी, और इन्फिनेटिव वर्ब बनते ही वो अपने साथ टू को ले लेगी, गेट बंद, गेट बंद, ठीक है, टू को ले लेगी। अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद बोर्ड पे, आपका सॉल्यूशन हो रहा है, हाँ जी, तो इसमें मुझे लगता है आपको अभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, जिरंड पर आते हैं, ये भी आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और मेरा फेवरेट है, मुझे ये अच्छे लगते हैं जिरंड का जो जो सेंटेंस बनते हैं वो। अब जिरंड के जो सेंटेंस है वो कैसे बनेंगे, जिरंड के जो सब्जेक्ट हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अपने साथ लेके चलते हैं, समझ गए आप, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन ओ जी, ठीक है। अब आप कह दोगे कि मैम इसका प्रयोग, तो मैं एक वाक्य लिखती हूँ, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। अब इसमें जो डूइंग है ये क्या जिरंड है,
ठीक है। एक वाक्य और लिख लेते हैं, दे वर डांसिंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की कंडीशन तो दोनों जगह क्लियर हो रही है, बट क्या ये जीरंड है? तो इसका आंसर है नहीं, नो, नेवर, है भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब एक वाक्य और ले लेते हैं, ही इज नहीं, ही हैज बीन टीचिंग फॉर टू आवर्स। ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग। अब यहां देखिए, यहां भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि और तो हमें कुछ अभी तक बताया नहीं है, फोर्थ की फॉर्म है। तो क्या यह जीरेंड है? नो, और इसे भी मैं कहूंगी नेवर, है भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण हमें पता लगाना है भाई, और इस वाई पे हम काम करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ना कि यह जीरंड है। इतना आपको मैंने क्यों बताया? क्योंकि यदि आप छोटी छोटी चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको इतनी बारीकी का फर्क देता है, वो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं देते हैं, वो बहुत बारीक जो फर्क है वो आपके सामने रखते हैं और वहां हम क्या है फंस जाते हैं। तो अब स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हम कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसका नॉर्मल जो सेंटेंसेस है उनका वाक्य बनता है ऐसे, वाक्य जीवन में भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा हमें वो फर्क पढ़ना है। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, आई एम टीचिंग, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं वाक्य लेती हूं, आई लव टीचिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और आपको पता है ऑब्जेक्ट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन यदि होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता, आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना, फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाता। अब यहां भी देखिए आप, आई सब्जेक्ट लव मेन वर्ब, अब टीचिंग में जो टीच है ये क्या है, वर्ब है। यानी आपको समझ में आ रहा है, इसमें दोबारा इसमें पीछे जाइए, आई लाइक प्ले किया था हमने, वहां भी सेम क्रिएट हुआ था ना, मेन वर्ब और यहां भी एक वर्ब आ रही थी, यानी यहां भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन उस कंसेप्ट में चेंज क्या है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, यहां पर क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या हो गया, एड हो गया। तो यह वर्ब की तरह काम ना करके अगेन किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस, अब मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट।
अब मुझे लगता है आपके आधी कहानी समझ में यहाँ पे आ गई। यानी यहाँ पर भी सेम कंडीशन है इन्फिनिटिव वाले की, किसी वाक्य में क्रिया है वो क्रिया की तरह न काम करके कर्ता की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह आए। और बड़ा सीधा सा है, इसमें सब्जेक्ट छांट लो, मेन वर्ब छांट लो, बचेगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। अब ऑब्जेक्ट में आपको पकड़ना है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो वो क्या कहेगा, अपने आप में जीरंड हो जाएगा। यानी आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रिया की तरह काम न करके नाउन की तरह काम करे। अब आप एक चीज कह दोगे, मैम अगर पेपर में ये दोनों सेंटेंस आ गए या सेंटेंस एक आ गया और ऑप्शन दोनों आ गए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर होगा तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए आप? आपको क्या देखना है, मेन वर्ब के साथ वर्ब है तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की तरह काम करे और वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी या तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। यहाँ पे क्या, आई लव टीचिंग, यानी मैं टीचिंग से प्यार करती हूँ, जैसे आई लव बनाना, यानी बनाना एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो यहाँ भी इसको क्या ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। या तो ये ऑब्जेक्ट हो या फिर ये क्या हो, नाउन हो। ठीक है, अब जैसे और देख लो आप, एग्जाम्पल देखो इसका, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नया नया था, इसलिए अभी ये आपके कुछ ना कुछ समझ में आ गया है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में मेन वर्ब के बाद वर्ब, मैं तुम्हें अलग अलग तरह से ये स्पेसिफाई करके डेफिनेशन लिखवा रही हूं ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो। जिस वाक्य में मेन वर्ब के बाद भी वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट की तरह हो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट की तरह हो या फिर या नाउन की तरह हो। ठीक है, तो वह जीरंड कहलाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें एक पहचानने की बात यह है कि इसमें जो क्रिया है वो बनाने के रूप में है। जैसे अब देखो, टीचिंग है तो ये क्या है, पढ़ाना, यानी ऐसा कोई काम है जो हम लगातार करेंगे। कुकिंग का एग्जांपल आएगा, यानी ऐसा कोई काम जिसको हम लगातार करेंगे। स्मोकिंग का आएगा, यानी ऐसा कोई काम जिसको हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आप हमेशा जीरंड का प्रयोग करोगे। अब हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज स्मोकिंग एट होम, ही इज
स्मोकिंग एट होम। और स्मोकिंग वाला सबसे फेमस सेंटेंस रहा है, आप सबको ध्यान रहा हो तो। अब तो चलो कंपटीशन का लेवल और हो गया, चीजें और हो गई, लेकिन शुरू शुरू में जो लोग 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, 2012 के करीब जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बड़ा एक इजी सेंटेंस मिलता था, ठीक है, स्मोकिंग वाला। अब ही इज स्मोकिंग एट होम, क्या ये जीरेंड है? आप इसकी पहचान कीजिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है यानी यह जीरेंड नहीं हो सकता। यहीं पे उस बात को कट कर दो। अब एक और चीज देखते हैं। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब आप इसमें देखिए, जो स्मोकिंग है वो क्या है? एज ए नाउन काम कर रहा है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, समझ गए आप? तो नाउन या प्रोनाउन में की तरह जब काम करे वर्ब और उसके साथ आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाए तो वो क्या हो जाए, हो जाएगा जीरेंड के तरह काम करेगा। जैसे टी इज बेड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो यह एक सिंपल वाक्य है। अब क्या है? टी इज बेड फॉर हेल्थ। अब ये टी नाउन है ना, किसी चीज ही का नाम है, ठीक है। अब यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या एक तरह से नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसमें आप इसको जीरण बनाएंगे, ठीक है। पहचान इनमें मेन काम आपको ये देखना है कि इसमें वर्ब, मेन वर्ब आ रही है और उसके बाद जो दूसरी वर्ब है वो एज ए नाउन या प्रोनाउन काम कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर कल की क्लास में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक आपको पता होगा पार्टिसिपल का होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो मिस मत कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं कल।